गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 11th क्लास के बच्चों, कि कल हम लोग दाब, परम दाब और गेज दाब ये पढ़े थे। कल डेफिनेशन मैंने बताई थी, कल के वीडियो में आपने देखा होगा। और आज उसी के बेस पर न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल है, लेंथी न्यूमेरिकल है, आपकी NCERT बुक का ही न्यूमेरिकल है। सवाल है कि समुद्र के नीचे 1000 मीटर की गहराई पर, समुद्र के नीचे 1000 मीटर गहराई में आपको परम दाब निकालना है, गेज दाब निकालना है, और इस गहराई पर पनडुब्बी की इतने क्षेत्रफल वाली खिड़की जिसके आंतरिक भाग का दाब समुद्र तल के वायुमंडलीय दाब के बराबर रखा गया है, आरोपित बल का आकलन कीजिए, ये आपको निकालना है। तो सवाल करने का तरीका आपको मैंने बताया बच्चों। सबसे पहले आप सवाल को स्पष्ट रूप से पढ़ें और जितनी भी भौतिक राशियाँ दी गई हैं उनको लिख लीजिए, ठीक। जैसे हमें जल का घनत्व इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है जल का घनत्व कितना होता है बच्चों। दिस 1.03 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कुछ भौतिक राशियाँ हैं जिनका आपका मान नेता मतलब कांस्टेंट होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। स्मॉल जी का मान 10 m/s², कभी कभी हम 9.8 भी रख देते हैं। और H दिया गया है 1000 मीटर है, A किस में है, क्षेत्रफल है A, लेकिन ये 20 × 20 cm² है। तो आपको पता है कि 1 cm में कितना मीटर होता है, 10⁻²⁪ मीटर होता है। तो इसी को कन्वर्ट कर लिए हम लोग, तो हमारा A कितना आ गया, 4 × 10⁻²⁪ मीटर। और वायुमंडलीय दाब ये भी आपको याद होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल, PA पास्कल दाब का मात्रक है ये। आइए अब हमसे सबसे पहले पूछ रहा है परम दाब कितना होगा। तो परम दाब PA का मान कितना होता है, 1.01 × 10⁵ प्लस H कितना दिया है, 1000 मीटर। तो हम इसको 10³ मीटर भी लिख सकते हैं, 10³, ठीक। रो जल का घनत्व है, कितना है, 1.03 × 10³। और गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 10। इसको लगा दीजिए, सॉल्व करिए, 1.01 × 10⁵ प्लस 1.03 × 10³, 3 × 3 = 6 × 1 = 7, ठीक है। अब इनकी पावर सेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको सेम करने के लिए सब सेम करेंगे तभी आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वन ये 10⁵ है और ये 10⁷ है, तो क्या करें, इसको या तो 10⁷ बना लो या फिर इसको 10⁵ बना लो, ठीक। तो क्या करें, इसको देखें, 1.03 अगर हम यहाँ पर पॉइंट्स हटाएंगे तो नीचे 2 आएगा ना, ठीक है। और अगर 2 ले जाएंगे ऊपर तो माइनस में 2 होगा और ये 103 हो जाएगा, 1.01 × 10⁵। तो ये 103 × 10⁵ क्या लिख सकते हैं, 5, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा माइनस में होगा कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा अलग, ठीक। देखो ये 10⁻ ऊपर गया, ये 7 प्लस में है, ये माइनस में होगा, 7 में से 2 घटाओगे 5 बजेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि अब समान घात है तब जोड़ सकते हैं, तो 103 और 1.01, तो ये हो जाएगा 0.401। तो आप इसको समथिंग ले सकते हो, कितना, 104.01 × 10⁵ पास्कल, ठीक है, ये आ गया आपका। इसी तरह से गेज दाब, देखो ये गेज दाब निकालना है, तो गेज दाब क्या है, गेज दाब का फॉर्मूला क्या था, P - PA यानी कि H ρg ही, तो ठीक, H ρg यानी, या तो आप ऐसे करिए कि इसको P का मान रख दीजिए, P का मान ये निकला है ना, ये P का मान क्या है, 104.01 × 10⁵ और PA का मान आप यहाँ से रख सकते हो क्या, 1.01 × 10⁵ पास्कल, ठीक। अब दोनों की घात समान है, आप इसको घटा सकते हैं, ठीक है। घटाएंगे कि तो क्या बचेगा, जो भी बचेगा 104.01 और ये 1.01 घटा दो 0 0 और 4 में से 1 गया 3 103 × 10⁵, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद पूछ रहा है तीसरा कि इस गहराई पर पनडुब्बी की
इतनी सेंटीमीटर क्षेत्र वाली खिड़की जिसके आंतरिक भाग का दाब जो है समुद्र तल के वायुमंडल दाब के बराबर रखा गया है। तो यहाँ पर पनडुब्बी की खिड़की के जो बाहर का दाब होगा वो क्या होगा, पी ए प्लस एच रो जी, लेकिन खिड़की के अंदर मैंने दाब बताया क्या होता है, पी ए। ठीक, अब इसको घटा देंगे तो जो नेट दाब आएगा वो एच रो जी ही आएगा, और एच रो जी, ठीक ठीक है, आप निकाल भी चुके हैं, यहाँ पर अलग से भी निकाल सकते थे, आप कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, नेट दाब आपका आ गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, आरोपित बल का आकलन करना है। तो बल बराबर क्या होता है, दाब गुणा क्षेत्रफल। तो दाब आपका यह है, क्षेत्रफल आप इसको सॉल्व कर लीजिए, चार तिया 12 और 4 एकम 4 गुणा 10 की घात 5 माइनस 2 यानी कि 41 10 कितना बचेगा, 3, ठीक, न्यूटन। दिस इज़ द आंसर बेटे। आप अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बताइएगा, पूरा सवाल आपकी एनसीईआरटी का है, इसको कंप्लीट करेगा। ठीक, इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।